भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को आज एक बड़ा झटका लगा है, जिसकी खबर ने पूरे देश को निराश कर दिया है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो, जिसके कारनामे ने हमेशा पूरी दुनिया में भारत के स्पेस प्रोग्राम का नाम ऊंचा करा है, जो अपनी पहली कोशिश में ही मंगल तक यान भेजने वाला पूरी दुनिया में पहला देश और मंगल तक अपनी सैटेलाइट भेजने में सफल होने वाला चौथा देश है। वहीं आज सुबह इसरो ने भी श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस स्टेशन से अपने एक और सैटेलाइट EOS-03 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। लेकिन लॉन्च होने के कुछ देर बाद इसमें लगे क्रायोजेनिक इंजन में कुछ तकनीकी खराबी आने की वजह से इसरो के पास आंकड़े आना बंद हो गए थे। वहीं इसरो की तरफ से काफी कोशिशों के बाद भी जब आंकड़े नहीं मिले, तब इसरो ने इस मिशन के फेल होने की घोषणा कर दी, जिसे भारतीय स्पेस प्रोग्राम समेत करोड़ों देशवासियों को एक बड़ा झटका लगा है। इसरो के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का नाम GISAT-1 है, लेकिन इसका कोड नेम EOS-03 दिया गया है। ये सैटेलाइट दुश्मन की जमीन पर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखने के अलावा कृषि, जंगल और किसी भी तरीके की प्राकृतिक आपदा की सूचना देने में सक्षम है। इस साल 28 मार्च को इसका लॉन्च होना था, लेकिन बाद में तकनीकी गड़बड़ी के चलते इसे टाल दिया गया था। इसके बाद अप्रैल और मई में भी COVID-19 के चलते इसरो की तरफ से इसे लॉन्च नहीं किया जा सका। इसका काम जिसके बाद आज अपने लॉन्च के दौरान हुए इंजन में खराबी के चलते, एक बार फिर आइए आपको बताते हैं कि क्रायोजेनिक इंजन आखिर क्या होता है। क्रायोजेनिक एक ऐसी तकनीक है जिसको काफ़ी लंबे समय तक भारत से दूर रखा गया था, लेकिन स्पेस में महारत हासिल करने वाले हमारे महारथी वैज्ञानिकों ने इसको भारत में ही तैयार कर लिया। क्रायो एक यूनानी शब्द क्रायोस से बना है, जिसका मतलब बर्फ जैसा ठंडा होता है। इस तकनीक में तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायोजेनिक बेहद कम ताप उत्पन्न करता है, रॉकेट को बूस्ट देने का काम भी करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल खास तौर पर लंबी दूरी और भारी रॉकेटों के लिए किया जाता है। आइए आपको बताते हैं कि मिशन आखिर क्यों इतना जरूरी था। इसरो के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का नाम G1SAT-1 है, लेकिन इसका कोड नेम EOS-03 दिया गया है। ये सैटेलाइट दुश्मन की जमीन पर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखता है। इसके अलावा कृषि, जंगल और किसी भी तरीके की प्राकृतिक आपदा की सूची देने में भी ये सक्षम है। इस साल 28 मार्च को इसका लॉन्च होना था, लेकिन बाद में तकनीकी गड़बड़ी के चलते इसे टाल दिया गया था। इसके बाद अप्रैल और मई में भी COVID-19 के चलते इसरो की तरफ से इसे लॉन्च नहीं किया जा सका। वहीं आज अपने लॉन्च में फेल होने की वजह से फिलहाल के लिए इस मिशन को टाल दिया गया है। साथ ही इसरो इंजन में आई खराबी की वजह का पता लगाने में लगा हुआ है। आज भले ही स्पेस एजेंसी इसरो का ये मिशन फेल हुआ हो, लेकिन देश का नाम ऊंचा करने वाले वैज्ञानिकों पर आज भी पूरे भारत की उम्मीदें टिकी हुई हैं।